भाई डॉक्टर जाकिर नायक विजिट टू पाकिस्तान एंड स्पेशली माय सिटी कराची जो है इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सुपर एक्साइटिंग मोमेंट फॉर एवरीबॉडी। मैं भी उनको काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ एंड ही इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। इनका ये जो ट्रिप अभी हुआ है सो फार कराची की सिर्फ हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही प्लेजेंट एक्साइटिंग और पीसफुल ट्रिप हो सकता था, लेकिन इसके अंदर चार पांच कॉन्ट्रोवर्सीज भी कूद गए। तो दिस इज बेसिकली अ मिक्स बैग। नाउ बात हमने थोड़ी बहुत करनी है कॉन्ट्रोवर्सीज की, हालांकि कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं चार मेजर कॉन्ट्रोवर्सीज की बात करता हूँ। पहली चीज क्या है, जो PIA का मसला हुआ था एक्सेस बैगेज के ऊपर। डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो है वो PIA से काफी ज्यादा तब गए थे, नाखुश थे, जो उन्होंने स्टेज पे भी आगे बोल दिया था कि यार मैं बेसिकली पाकिस्तान के लिए जो है एक चीफ गेस्ट था और चीफ गेस्ट होने की हैसियत से मैं कुछ एक्सेस बैगेज भी अपने साथ लेके आ रहा था 200-300 किलो और समथिंग, जिसपे PIA के जो सी होते हैं उनसे मेरी पर्सनली बात हुई थी जो कि मेरे फैन थे, और उन्होंने कहा था कि जी खास तौर पे ओनली फॉर यू हम आपको जो है 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई 50% डिस्काउंट क्यों दे रहे हो, अपनी जेब में रखो, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी शदीद अड़ गई कि भाई मैं जब स्टेट गेस्ट हूँ तो मुझे पूरे का पूरा वेव ऑफ हो जाना चाहिए था, डिस्काउंट जो है वो 100% होना चाहिए था, क्योंकि जब मैं इंडिया भी जाता हूँ या नॉन मुस्लिम दूसरी कंट्रीज में भी जाता हूँ तो वहाँ भी मुझे एक्सेस बैगेज पे 100% ऑफ मिलता है, मुझसे कोई पैसे नहीं लेते। यार अब देखें, समझने वाली बात यह है, ये एक यस सिचुएशन भी है और नो सिचुएशन भी है। यस क्या ठीक है भाई, वो स्टेट गेस्ट थे तो अगर PIA वाले उनसे जीरो फेयर चार्ज करते एक्सेस बैगेज का तो वो एक एक्ट ऑफ कर्टेसी होता, एक काइंड जेस्चर होता जिसमें कोई अर्ज नहीं, बहुत अच्छी बात होती, मामले सुलझ जाते, कोई ऐसा इशू नहीं होता, जो कि PIA कर सकता था। ठीक है, मेहमान नवाजी में आप करते हैं ना भाई, जब आपके घर भी कोई मेहमान आता है तो आप जितना उसके साथ कर सकते हैं आप करते हैं ना, आप कोशिश करते हैं उसको कम से कम तकलीफ हो और फुल स्पेशल फील कराए उसको। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भाई इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जो बंदा इंटरनेशनल रिलेशंस या इस तरह के एग्रीमेंट्स को समझता है कि यार जब इंटरनेशनली जब आप किसी को बाहर से इनवाइट करते हैं, चाहे वो स्टेट गेस्ट हो कोई हो, तो थोड़ा बहुत एग्रीमेंट पहले भी हो जाता है, मतलब प्री एग्री टर्म्स होती हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हम फाइनेंस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपका अपना खर्चा होगा वगैरह वगैरह। मतलब जैसे मुझे भी अगर कोई बाहर पॉडकास्ट के लिए किसी चीज़ के लिए बुलाता है तो एग्रीड होता है कि भाई टिकट के पैसे कौन देगा, मेरे अकोमोडेशन के पैसे कौन देगा, प्री एग्रीमेंट होता है। और इन एनी केस, अगर भाई समझने वाली बात ये है कि हर मुल्क के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो अलग अलग होते हैं, तो हर चीज़ हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होती यार। मतलब सीधी बात है, मैं मतलब अगर UAE चला जाऊँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं वहाँ टेक्निकली एक टूरिस्ट हूँ, एक मेहमान ही हूँ ना एक तरह से, वहाँ अगर मैं जाके कोई भी लॉ तोड़ता हूँ तो क्या वहाँ का जो शूटर आएगा या पुलिस वाला आएगा, मैं बोलूँगा यार मुझे कोई चार्ज नहीं करो, मैं तो मेहमान हूँ यार, मेहमान को चार्ज करते, भाई आपने लॉ तोड़ा है तो आपको पैसे तो भरने पड़ेंगे या जेल होगी या व्हाटएवर। तो जाहिर है लॉ ऑफ द लैंड भी कोई चीज़ होती है यार, कि जिस मुल्क में जो लॉ चल रहा है वो आपको फॉलो करना पड़ता है, और हर मुल्क में आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता, हर मुल्क के अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो अगर उन्होंने चार्ज भी कर लिया तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बड़पन दिखा देते, कोई ऐसे मसले की बात नहीं थी। दूसरी बात ये, पठान लड़की के साथ इनकी एक मुंहमारी कहना एक बहस हो गई जिसपे ये तब गए थे। पठान लड़की ने एक सवाल पूछा था कि यार मेरा जो माशरा है, सोसाइटी है, वो फुल इस्लामिक है, जहाँ लोग तहज्जुद वगैरह पढ़ते हैं, घरों से बाहर फजूल में नहीं निकलते, औरतें घरों में रहती हैं, लेकिन वहाँ पे उल्टे सीधे काम भी होते हैं, जैसे पीडोफीलिया, मतलब बच्चों के साथ उल्टी सीधी हरकत करना। तो भाई इस पर डॉक्टर साहब तब गए कि यार आपका सवाल गलत है, आप एक तरफ कह रही हैं कि इस्लामी माशरा है, फिर आप कह रही हैं वहाँ पे पीडोफीलिया भी है, तो ये दो चीज़ें कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप इस्लाम पे एक तरह से तोहमत लगा रही हैं कि आप कह रही हैं इस्लामिक है और फिर आप कह रही हैं वहाँ पीडोफीलिया उल्टी सीधी एक्टिविटी भी होती, तो मतलब भाई इस्लाम जो चीज़ को प्रमोट नहीं करता, तो आप कैसे कह रही हैं आपका सवाल गलत है। यार उस खातून का सवाल जो है वो टेक्निकली बड़ा मासूमाना है, जो जिसको वसीम बादामी कहते ना, बहुत मासूम सा सवाल था, क्योंकि जब डॉक्टर साहब उसको जो कह रहे थे, अगर आप वीडियो भी देखें, उसके सर से गुजर रहा था, और डॉक्टर साहब ने उसकी वजाहत भी कर दी कि मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रही हैं कि लोग समझते हैं वो माशरा बड़ा इस्लामी है। तो भाई जब आपने उसके सवाल की करेक्शन करी दी थी तो भाई आराम से उसके सवाल का जवाब भी दे देते, इसमें क्या हर्ज था। कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है, बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्टम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्टम, क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए, कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बार तो सही, इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है, तो और तीसरी बात क्या यार,
जो आपने देखा कि लोग सो रहे थे उनकी स्पीच में, खासतौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार पे जो वो पैन हुआ था कैमरा के, वो सो रहे हैं उनकी स्पीच के दौरान। लेकिन यार सबसे स्टूपिड बात ये है कि वो स्पीच दे रहे थे, बीच में वो पूछ रहे थे क्या हो गया, लोग हंस क्यों रहे, तो किसी ने कह दिया कि जी ये लोग सो रहे हैं। यार ये कोई बोलने वाली बात है, आप हाईलाइट करके बता रहे हो कि लोग आपकी स्पीच में सो रहे, आप कह दें नहीं जी डॉक्टर साहब कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करें, उनको बता रहे हो कि लोग सो रहे हैं आपकी स्पीच में, मतलब उनको हाईलाइट करके दे रहे हो, तो भाई किसी भी इंसान की हट जाएगी ना यार। वो एक गेस्ट है, एक ऑनरेबल स्पीकर है, वो आके आपके लिए आया, आपकी बातों का जवाब दे रहा है, वो आपको सिखा रहा है, बता रहा है, आप अगर सो गए तो किसी की भी हटेगी ना, तो उसकी तो खासतौर पर उनकी हटेगी यार। मतलब आप दोस्तों में देख लो, आप किसी दोस्त से अगर बात कर रहे होते हो और वो फ़ोन पे यूँ लगा हुआ होता है, आपकी हट नहीं जाती कि भाई मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मुझे अटेंशन दो ना। तो डॉक्टर जाकिर नायक की कितनी हटी होगी इस बात के ऊपर यार, वो तो ज़ाहिर एक सेलिब्रिटी है, एक इस्लामिक स्कॉलर टाइप बंदा है, एक स्टेटस से लेवल है उनका, तो उनको इस तरह ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मिसबिहेविंग और रूड बिहेवियर था ये, मतलब इंसल्टिंग बिहेवियर था एक तरह से, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और आखिरी बात ये कि भाई उनकी कुछ चीज़ों पे इल्ज़ाम ये लगा कि जहाँ पे वो चार शादियों की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा है, मर्द कम है, तो अगर हर मर्द एक शादी करेगा तो बहुत सारी ख़वातीन सरप्लस हो जाएंगी, मतलब वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, तो या तो वो उसी से शादी करेंगी जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या फिर वो उन्होंने बाजारू टर्म यूज़ कर दिया था। अब इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ कि भाई ख़ासतौर पर अली ज़फ़र का आ गया कि जी आपने बाजारू कैसे कह दिया, वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ भी गुजार सकती है, सिंगल वूमन की तरह भी वो रह सकती है, गुजार सकती है। तो भाई समझने वाली बात यह है कि हाँ ठीक है, आई डू एग्री कि बाजारू टर्म थोड़ा रूड हो गया था, उनको नहीं बोलना चाहिए था, बट उनके कहने का मकसद ये था यार कि ज़ाहिर है, और वो बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की, हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी क्या होगा यार, ज़ाहिर है जब मर्द ही ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत सारी ख़वातीनों के चांसेस हैं कि भाई वो दूसरे मर्दों के साथ अपनी नीड सेटिस्फाई करने के चक्कर में लग जाएंगी, तो इस चीज़ को उन्होंने जो है बाजारू का टर्म दे दिया। तो खैर ऑल एंड ऑल यार ये जो है एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ओवर द ईयर्स डॉक्टर जाकिर नायक का जो टेम्परमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गुस्सा उनको बहुत जल्दी आ जाता है, पहले वो थोड़े ऐसे नहीं थे, हम्बल थे काफ़ी, लेकिन अब काफ़ी चीज़ों पे वो रोकना टोकना लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो यार सीधी बात ये है डॉक्टर साहब, आपको भी थोड़ा इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए इखलाक होता है क्या टेक्निकली, इखलाक का मतलब ये ना कि भाई जो चीज़ आपके बिहेवियर के, आपकी वॉन्ड के, आपके तबीयत के हिसाब से नहीं हो रही, उसके बावजूद आप उस चीज़ पर सब्र शो कर रहे हैं। अगर लोग ही अच्छे हैं, लोग आपको बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, तो आप इखलाक अपना दिखाई नहीं पाएंगे ना। इखलाक तो आप वहाँ दिखाते हैं जहाँ लोग आपको थोड़ा सा इरिटेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ जब आप उनके साथ पोलाइटली बिहेव करते हैं, सब्र दिखाते हैं उन सिचुएशन में जो आपके हिसाब से नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी आप काम रहते हैं, दैट इज़ इखलाक। तो वो उनको डेफिनेटली दिखाना चाहिए, एंड आई वुड से कि वो उनमें जो है ओवर द ईयर्स काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है।